हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर नेहा तनेजा। सो गाइस, एवरी वन ऑफ यू नो दैट डीबीटी एग्जाम इज अप्रोचिंग। 14th of August को आप लोगों का एग्जाम है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डीबीटी के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, दे आर समवॉट इन पैनिक सिचुएशन। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ लास्ट 3 डेज स्ट्रैटेजी, कि क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट के 3 दिनों के लिए या लास्ट टाइम में अगर आप डीबीटी एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी है। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है एंड कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी है। जहाँ तक मुझे लगता है, अभी तक आप लोगों ने अच्छे से डीबीटी का जो सिलेबस है वो गो थ्रू कर लिया होगा, चेकलिस्ट में डन सिलेक्शन कर लिया होगा आपने उस पार्ट का जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं एंड किसमें से आपके क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप लोगों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नोट्स जो हैं वो बन चुके होंगे, जो कि आप रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर इसमें से कोई भी पार्ट लैकिंग है, आई गेस लैकिंग वाली जो चीज़ है वो अब होनी नहीं चाहिए क्योंकि टाइम कम बचा है। एंड हमेशा ये चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करके आई हूँ बहुत लंबे समय से, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपको लाइक एक सिलेक्शन दिलवाता है वो चीज़ है सिलेक्शन। सिलेक्शंस मतलब कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन आप किस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन मतलब जैसे आपको पता है कि सेक्शन ए में तो नहीं, सेक्शन बी में आपके पास चॉइस है, तो आउट ऑफ 150 आप कौन से 50 क्वेश्चंस चूज कर रहे हो। डीबीटी में अगर मैं बात करूं, दैट मीन्स अ लॉट, क्योंकि वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 150 मार्क्स दे देंगे अगर आप उनको सही करते हैं तो। एंड रेस्ट आपका पार्ट ए है जिसमें से आपके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि आप इतना करें या इतना करें। 50 क्वेश्चंस हैं, 50 कंपलसरी हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको वो करने ही करने। ऑब्वियसली क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप सब कुछ नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कि अब हमें लास्ट टाइम में क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है एंड मैं उसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अभी वो टाइम नहीं बचा कि आप नए टॉपिक्स को गो थ्रू करें, ठीक है, कि आप नए नए टॉपिक्स जो हैं वो रोज़ लेकर बैठ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। देखिए, लास्ट टाइम में एक बेस्ट चीज़ होती है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप जितना रिवाइज कर सकते हो आप कीजिए, ठीक है। अब रिविजन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप हमेशा जो भी आपकी नोट्स की कॉपी है या फिर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, आप वो ओपन करके बैठ जाओ एंड आप एक लगे हैं रिविजन में। एक सेल्फ रिविजन नाम की भी चीज़ होती है कि खुद से आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ठीक है, आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी, आप उनको देखिए एक एक करके एंड उनका फ्लो चार्ट, माइंड मैप या जिसको भी आप जो भी तरीके से करना चाहते हैं वो करना शुरू कीजिए। देखिए कि आप उस टॉपिक में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, कहाँ पर आप अटकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट और आने ही आने, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कुछ बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक हैं, कुछ जेनेटिक्स के हैं, कुछ प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, इस तरीके से काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताती हूँ। अब जैसे देखिए, ICMR की बात हम करते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका एग्ज़ाम भी आपका नेक्स्ट मंथ में है, लेकिन उसका क्या है कि बहुत सारे टेस्ट पेपर्स या PYQs अवेलेबल नहीं है। PYQs बेसिकली उसके बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो मतलब थोड़ा सा डेटा वहाँ पर लैकिंग है, लेकिन DBT के केस में ऐसा नहीं है। तो PYQs जितना आप कर सकते हो करें। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो रीफ्रेम होते हैं, इनफैक्ट रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं रीफ्रेमिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ करना पसंद करूँगी कि थोड़ा सा लैंग्वेज लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अदरवाइज कंसेप्ट वही रहता है। तो आप जितने बेहतर तरीके से अपनी माइंड की प्री कंडीशनिंग करोगे कि आप 3 घंटा बैठकर उसी डेडिकेशन के साथ पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस बार मैंने भी आपकी बहुत हेल्प करने की कोशिश की है थ्रू गुरुमंत्र अकेडमी ऐप। वहाँ पर मैंने आपका एक क्रैश कोर्स रन किया था जिसको ऑलमोस्ट शुरू हुए, काफ़ी दिन हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी सारे उसमें कवर हो चुके हैं,
रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट हैं, सारे के सारे फिल्टर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो रिकॉर्डिंग्स मैंने वहाँ से अभी रिमूव नहीं की हैं, वो ऑलरेडी अभी भी वहाँ पर है, वो हमेशा वहाँ रहेंगी। जब तक आप लोगों को उसकी ज़रूरत है तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिविजन आप कर सकते हैं। मोर ओवर गुरुमंत्र अकेडमी की ऐप पर आपके लिए 5 फ्री मॉक टेस्ट भी हैं, उसको आप पूरा एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर ले सकते हो एंड वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसमें आपकी रैंकिंग आती है, उसमें आपका स्कोर आता है, तो आपको एटलीस्ट अपना एक लेवल पता चलता है, क्योंकि DBT के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चंस जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। सॉल्यूशन भी गिवन है, तो आपको मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नीडेड है। सब चीज़ें साइड अवे कीजिए, ठीक है। अभी मुझे पता आप लोग बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी में एंगेज हैं, लेकिन अभी मेन चीज़ जो है वो आपको DBT पर फोकस करना है। आप फोकस नहीं करोगे ना, पूरा दिन डाइवर्टेड रहोगे, तो इट विल क्रिएट अ ट्रबल। वो कॉन्फिडेंस आप नहीं गेन कर पाओगे। तो दिन में जो 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 5 घंटे हैं आप इधर उधर देते हो, वो पूरा आप DBT के लिए फोकस कीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐप का या वेबसाइट के बारे में भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को नहीं पता तो आप जान जाएं कि किस तरीके से चीज़ें करनी है वहाँ पर, टेस्ट वगैरह कैसे आपको देने हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल है। मोरओवर आप एक इंफॉर्मेशन फ्लैश होती हुई देख रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, गुरुमंत्र ही उसका नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। अब देखिए, मोस्ट आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने जो है गुरुमंत्र अकेडमी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई है, एंड्रॉयड ऐप। जो बच्चे लाइक वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं वो भी विजिट कर सकते हैं, www.gurumantraacademy.com। जब आप आएंगे तो आपको जो है इस तरीके से सेक्शन मिलेगा ऑनलाइन कोचिंग में, क्रैश कोर्स ऑन DBT JRF, एंड आपका ये पेज आपके सामने होगा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियोस जो है वो अवेलेबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक एक दिन आपको अवेलेबल कराई गई थी। आप डेट देख सकते हैं कि कौन से दिन कौन सी क्लास कौन सा सेशन कंडक्ट हुआ था। आपका अगर बैकलॉग है तो प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फिल्टर्ड टॉपिक है जिसमें से फॉर श्योर क्वेश्चन आता ही आता है। आप देख सकते हैं लेक्चर है, लेक्चर के नाम है, थंबनेल पर आपको उनका नाम आराम से दिखाई दे रहा है। साथ ही इतना ही नहीं, जेनेटिक्स के भी बहुत सारे सेशंस हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे इस तरीके से। प्लांट फिजियोलॉजी के भी हैं, बायोकेमिस्ट्री के भी आपको बहुत सारे सेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये क्रैश कोर्स फ्री था, अभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको लगता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी रह गई है, तो आप प्लीज़ इनको जो है वो देखिए। इसके अलावा जब आप टेस्ट सेक्शन में आएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट दिखाई दे रहे हैं DBT JRF के लिए, DBT BET JRF के लिए, एंड 5 टोटल टेस्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर पूरा ये चीज़ें स्केड्यूल्ड है कि कब ये कब तक होगा, बिकॉज 14 को आपका एग्जाम है, तो टिल 13th जो है आप ये चीज़ें देख सकते हैं। मैंने क्लोजिंग नहीं की है, यहाँ पर टीम ने क्लोजिंग नहीं की है कि आप यहीं तक दे सकते हैं, आप कभी भी इन टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए 50 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ लाइक DBT के अकॉर्डिंग 3 मार्क का, नेगेटिव मार्किंग -1, एंड ईच मिनट मैंने 2 मिनट्स दिए हर एक क्वेश्चन को, 50 × 2 100, ताकि आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड अपना दिमाग तेज लगाएं। सिंपली आपको अपनी ID से लॉग इन करना है एंड टेस्ट लेना है। आप लेंगे आपको आपका लेवल पता चलेगा। देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। आप खाली बैठकर सोचते रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। सो बेस्ट है कि थोड़ा सा वेकअप कीजिए। सपने देखना आसान होता है, आई नो सब लोग करते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेडिकेशन देना पड़ता है। नो पेन नो गेन, आप लोग जानते हैं। तो सिर्फ थोड़े दिन का समय बचा है, अननेसेसरी पैनिक मत होइए किसी भी चीज़ के लिए। देखो, अगर कोई पैनिक हुआ है या किसी ने स्ट्रेस लिया है, तो आज तक उसका कुछ कोई भला नहीं हुआ है, उल्टा आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। आपने इतने महीनों तक मेहनत की है, मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। बस सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो 2 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी फॉलो करनी है, रिविजन नहीं, रिपीटिव रिविजन, दूसरा प्रैक्टिस। एंड इन केस आपको लगता है कि मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूट गया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टेक्निक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं,
जेनेटिक्स में भी है, जैसे पेडिग्री क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है, ठीक है। टेक्निक्स में माइक्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रिस्पर है, या फिर मार्कर्स के ऊपर बात है, बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर बात, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका छूट गया है तो मेक श्योर उसको आप कर लें, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ आने वाली है, तो उसको आप छोड़ोगे तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। बाकी काफ़ी और चीज़ें भी आप लोगों के लिए आने वाली हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितना बेस्ट मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ वो आप मैं आपके लिए करूँ, राइट। इन केस यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, एंड आई नो यू कैन। थैंक यू।